आप देख रहे हैं होम्यो रीडर के यूट्यूब चैनल और मैं हूं डॉक्टर मिराज अंसारी। आज एक अपडेट बनकर आ रही है, झारखंड राज्य होम्योपैथिक चिकित्सक के पदों पर सीधी भर्ती हो रही है, जो झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा होगी, जिसके आवेदन की शुरुआत जो है 2 मार्च 2022 से होगी और जनरली इसका जो अंतिम तिथि होगा इसमें आवेदन की वो 24/3/2022 होगी। इसमें जनरली ऑनलाइन फॉर्म भरने के ऑनलाइन फॉर्म एक्सेप्ट किए जाएंगे। कुल जो होम्योपैथी चिकित्सकों की भर्ती होगी वो 137 होगी और NRHM के तहत जो संविदा पे कार्यरत हैं उनको 5 साल की अगर उनकी जो है कि उसमें एक्सपीरियंस है तो उनको प्रत्येक वर्ष 2 अंक दिए जाएंगे। इसकी अंतिम तिथि जो है वो 24/3/2022 है और जनरली इसमें जो फॉर्म भरने की जो एलिजिबिलिटी है वो BHMS है और साथ में अगर आपका सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी में रजिस्ट्रेशन है तो तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, या तो झारखंड राज्य में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। जनरली ये एक लिखित परीक्षा के तहत जो है इसमें भर्ती की जाएगी। 2 घंटे का पेपर होगा टोटल और जिसका पूरा जो है डिटेल कि इसमें क्या कितने नंबर का आएगा ये आपको बता दिया गया, जैसे शरीर विज्ञान एनाटॉमी 30, फिजियोलॉजी 30, फार्मेसी 40 नंबर, ऑर्गनन 50, फॉरेंसिक मेडिसिन 50, सर्जरी 40, आपका गायनकोलॉजी 40 और पैथोलॉजी 20, मेटेरिया मेडिका 50, कम्युनिटी हेल्थ जो है 50, रिपर्टी 50 और प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन जो है 50 अंकों का होगा। टोटल जो इसमें नंबर होगा वो टोटल नंबर जो कुल अंक होंगे वो आपके 500 अंक होंगे और साथ में जो है इंटरव्यू के 50 अंक इसमें आपको मिलेंगे। इंटरव्यू के 50 अंक का इंटरव्यू होगा और जनरली जो है इसमें आरक्षण का लाभ सिर्फ अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति को जो झारखंड के उनको मिलेगा। अगर आप किसी अन्य राज्य के हैं तो अगर आपका सेंट्रल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन है तो आप इसको भर सकते हैं। इसमें जनरली अत्यंत पिछड़ा वर्ग और जो है सामान्य के लिए 600 रुपये जो है फॉर्म फीस रहेगी और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 150 रुपये फॉर्म फीस रहेगा। इसकी अंतिम तिथि जो है 24/3/2022 रहेगी। अभी ये फॉर्म जो है ऑनलाइन 2/3/2022 मतलब 2 मार्च 2022 से आपको ऑनलाइन दिखेगा। इसके आगे की अपडेट होम्यो रीडर पे जल्दी आपको करी जाएगी। तब तक के लिए आप होम्यो रीडर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जल्दी ये अपडेट है और आपको अपडेट कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए और जल्दी इसकी पूरी जानकारी आपको जल्द से जल्द दी जाएगी। इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है आपको jpsc.gov.in पर जाकर करना होगा। टोटल 600 रुपये जो है EWS अनुसूचित पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा वर्गों से 600 रुपये परीक्षा शुल्क ली जाएगा और जो है जनजाति और अनुसूचित जनजाति से आपका 150 रुपये लिया जाएगा जो कि रिफंडेबल होगा। तो ये रही अभी की जानकारी। इसमें आवेदन के लिए आपको झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट jpsc.gov.in पर जाकर करना होगा। होम्यो रीडर को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।